अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। लोग हम जिन जिन भगवान का नाम ले उनको आप जहाँ बैठे हैं वहीं से नमस्कार करें। गणाधिपतये नमः लक्ष्मी नमश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्मयं जगत। तीन बार बोलिए विष्णुर् विष्णुर् विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुष। तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं जज्ञं भारिके प्रोक्षन् स्मते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते। आप जितना जप करेंगे उतनी आपकी जो ब्रह्म शक्ति है उसका तेज उसका वर्चस्व आपको ऊपर बढ़ेगा। और वार्ता करने से कोई फायदा नहीं होता ये ध्यान रखिएगा। ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः नमः प्रणमामि नमस्करोमि हस्ते यक्षदानं गृहीत्वा। ॐ मृगे दुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजानन ध्यारम्भ विवाह च प्रवेश देवता भगवती सुप्रतिष्ठिता वरदा भवता प्रतिष्ठार्थे यक्षतां समर्पयामि। चार बार जल छोड़िए पाद्यर्या चमनीय सर्वांगेषु। क्या आयोजन था और क्या था? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ देवास के द्वारा परंपरागत प्रतिवर्ष अनुसार अक्षय तृतीया पर राज राजेश्वर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज परशुराम वाटिका गंगानगर में राज राजेश्वर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की गई और दुग्ध अभिषेक के साथ हवन किया गया और 19 मई को बड़े जोर शोर से राज राजेश्वर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा महासंघ के द्वारा निकाली जाएगी, जो सयाजी द्वार से प्रारंभ होकर देवास शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंडी धर्मशाला में समापन होगा और भोजन प्रसादी वहां पर सभी ब्रह्म बंधु ग्रहण करेंगे। क्या आकर्षक का केंद्र रहेगा उसमें? क्या उसमें झांकी बैंड और ढोल और एक इस बार हमने आदिवासी नृत्य करते हुए हमारे आदिवासी भाई चलेंगे तो उसका भी इस बार हमने यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। रूट कहाँ से रहेगा उसका? सयाजी द्वार से प्रारंभ होकर एमजी रोड होते हुए जवाहर चौक से मंडी धर्मशाला पहुँचेगा। ठीक। आपका नाम? दिनेश मिश्रा, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ देवास।